Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Murad Sahib, सबसे पहले तो आपको और एनएचओ को, आपकी पूरी टीम को, सेक्रेटरी साहब आपको, आपको सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये जो आपने फिगर्स बताई, मैं शायद गलत हो जाऊँ, 16,000 किलोमीटर, 16,000 और 6,118, 2,000 और 6,118, 300 हाँ। तो ये जो आपने जो हुकूमत अपने आप को कहती थी कि वो सड़कें बना रही है, तो उससे आपने ये साबित किया कि और भी बहुत काम कर सकते हैं सड़कों बनाने के अलावा, लेकिन सड़कें भी हमने 3 गुना ज़्यादा बनाई हैं जी। मैं अपने सारे साउथ पंजाब के मिनिस्टर्स, मेंबर्स नेशनल असेंबली, मैं आप सबको इस चीज़ की मुबारक देता हूँ कि ये जिस तरह शाह महमूद ने कहा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सड़क है जो 3 ज़िलों को जोड़ देगी और जो ट्रैवल टाइम है वो कम कर देगी, और इससे हमें पता है कि और भी जिस तरह की कई सड़कें ऐसी होती हैं जिससे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बदल जाती है, एरिया की इकोनॉमिक्स बदल जाती है, तो इंशाल्लाह ये वो सड़क साबित होगी। मैं सिर्फ इस ओकेजन पे जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम आए, जैसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान, और पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई। तो हमने बड़ी सब्र से ये 3.5 साल से थोड़ा ऊपर, अभी 3 साल नहीं हुए, तो 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे। बड़ी मीडिया में तनकीद हुई, और अपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद करनी है जब तक NRO नहीं मिलना, तो वो तनकीद होती गई कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया, और फिर अभी भी कल उन सारों ने मिल के कोई ड्रामा किया कि पाकिस्तान बर्बादी की तरफ चला गया। और हम मेरे अपने लोगों को भी ये बड़ा मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, क्योंकि हमें मुसलसल हर रोज़ तनकीद सुननी पड़ी, और लोगों को भी इस तरह मीडिया ने एक तासुर दिया कि एकदम एक बटन ऑन करते हैं और नया पाकिस्तान बन जाता है, और ये एक मुल्क के लिए भी, अवाम के लिए भी, और मेरी अपनी टीम के लिए भी ये बड़ी एक बड़ा ज़बरदस्त सबक आप सब के लिए, वो ये है कि चेंज जब आता है एक माशरे के अंदर, जद्दोजहद से चेंज आता है, कभी भी कोई माशरा एक स्ट्रगल के बगैर चेंज नहीं होता। कोई भी चीज़, दुनिया की तारीख उठा के देख लें, अगर आप स्टेटस को बदलना चाहते हैं, स्टेटस को का मतलब ये है कि एक वो निज़ाम जिसमें लोगों ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जो कि उस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो जो लोग हैं जिसको स्टेटस को कहते हैं, जो एक निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं, वो कभी भी जद्दोजहद के बगैर चेंज नहीं आता। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक आपने अपने आप को आज़ाद करना है, मसलन अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी है, तो उसकी एक बड़ी तवील जद्दोजहद थी, उसके बाद आज़ादी मिली थी। आज़ादी की वो तो 1857 के अंदर, 1857 में एक कोशिश, बड़ी कुर्बानियां दे के लोगों ने कोशिश की, और वो फेल हो गई आज़ादी की जान, लेकिन तब से 1947 तक वो मुसलसल जद्दोजहद चलती रही, उसमें ऊँच नीच आती रही। हमारे जो अजीम लीडर थे कायद आज़म, उनकी आप स्ट्रगल देखें, कभी वो ऊपर जाते थे, फिर वो दिल बर्दाश्ता होकर इंग्लैंड चले गए, फिर वापस आए, फिर स्ट्रगल हुई। तो ये जो आज़ादी की स्ट्रगल है, चाहे आप माफिया से आज़ाद होना हो रहे हो, या एक करप्ट निज़ाम से आज़ाद हो रहे हो, ये जद्दोजहद का नाम है। ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि एकदम आप आज़ाद हो जाते हैं। जो अभी जिस जगह पाकिस्तान खड़ा है, एक बहुत, मैं समझता हूँ कि 1947 के बाद ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान का निज़ाम बदलने के लिए, माफियाज से अपने आप को आज़ाद करने के लिए। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो, ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे। तो अपनी कौम के लिए, अपनी टीम के लिए,
ये जो आज पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल है पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली जनरेशंस के लिए, हमारी नस्लों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की स्ट्रगल। ये सबसे इस ये जो कानून की हुक्मरानी की स्ट्रगल है, इससे ही एक माशरा बदलता है। जब ये ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है, वो दुनिया की तारीख उठा के देख लें, वो माशरा ऊपर जाता है। आज आप सारे खुशहाल मुल्क देख लें, जो भी मुल्क खुशहाल है वह कानून की हुक्मरानी है, वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, वहाँ कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहाँ कोई पॉलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें NRO दो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं, ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं, और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरबों रुपए डॉलर, डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। तो पहले तो मईशत तबाह कर दी, ये ड्रामा चलता रहा। फिर पता चला कि वो मईशत कोरोना के बावजूद, हिंदुस्तान में ज़रा देखिए आज क्या हालात है, हमारा और हिंदुस्तान का एक ही तरह के जो आबादी है, जो डेंसिटी पॉपुलेशन है, जो मौसम है, हमारा तो उनसे मिलता जुलता है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने क्या फैसले किए, आज उनका क्या हाल है, हमने क्या फैसले किए, आज अल्लाह ने हमें कैसे निकाला है। और उसके बावजूद जब उनका -7 पे ग्रोथ रेट है, हमारा 4% पे चला गया, जबकि हमारे हिंदुस्तान से बहुत बुरे हालात थे। हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के हालात जब कोरोना आई है तो देखिए कोई उनके तो बड़े खुशहाल, उनके तो उनके जो मुल्क की ग्रोथ रेट थी, उनके रिजर्व्स थे, उनके रुपए पे प्रेशर नहीं था, उनके तो रिजर्व्स बहुत बड़े थे। उनके मुकाबले में देखें कि पाकिस्तान ने किस तरह ये एक साल, पहला साल स्टेबलाइज करने में लगाया, दूसरा साल कोरोना आ गई, कोरोना से फिर अपने लोगों को भी बचाने की कोशिश की, अपनी मईशत को भी बचाने की कोशिश की, और अल्लाह का शुक्र है, कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। तो जो आज जिधर हम खड़े हैं और जिधर आगे हम जा रहे हैं, अब मेरा ईमान है कि जो सबसे मुश्किल वक्त था उससे हम निकल गए हैं। आगे जो इंशाल्लाह वक्त आ रहा है, ये पाकिस्तान की जो जो तरक्की आ रही है वो ये नहीं होगी जिस तरह पहले के साइकिल ऊपर नीचे जिस तरह हम जा रहे थे। ये अब पाकिस्तान वो उधर से सफ़र शुरू करेगा जिधर से एक वक्त पे सारे एशिया के अंदर पाकिस्तान की चौथी इकॉनमी थी 1968 में। इंडिया, जापान, चाइना और इंडिया के बाद चौथा पाकिस्तान था, और उसके बाद देखें कि हम किधर चले गए। तो वो फिर से वो सारी जो पॉलिसीज़ हैं, अपनी इंडस्ट्री को इनक्रेज करना, अब अपने एग्रीकल्चर को उठाने लगे हैं। अभी भी माशाल्लाह जो फसलें हुई हैं, पहले किसानों को पैसे लेके दिए, जो शुगर मिल्स पैसे नहीं देते थे, एक एक साल बेचारा किसान इंतज़ार करता था, पहले अगर 180 रेट है तो 120 रुपये मिलता था उसको, पूरा पैसा मिला है, टाइम पे मिला है, उस पैसे को किसान ने अपनी ज़मीन में लगाया, रिकॉर्ड पैदावार आई है। और जब किसान पैसा बनाता है तो वो लंदन में मेफेयर में फ्लैट नहीं लेता, वो अपनी ज़मीन में पैसा लगाता है, मुल्क को खुशहाल करता है। इंशाल्लाह अब किसानों के लिए जो हम पैकेज लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहले ये भी ये 60s में जो सही माने में एक दफ़ा जो आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, एक किसानों के लिए और दूसरा इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री के लिए फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो हमारे चाइना के साथ अब CPEC का जो फेज़ अगले फेज़ में जा रहे हैं, उनकी इंशाल्लाह इंडस्ट्रीज की रीलोकेशन हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि हम एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाएं, IT की एक्सपोर्ट्स दुगनी होगी, और इंशाल्लाह ये दुगनी से बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगी, क्योंकि पहली दफ़ा अब हम IT के ऊपर जोर लगा रहे हैं, और हमारा यंग पॉपुलेशन है, IT के ऊपर जोर लगाया तो यहाँ तो बहुत पोटेंशियल है, जो आज जो वो काम करें जो 20 साल पहले करने चाहिए थे, जो हिंदुस्तान ने किए, और जो आज उनकी 80 या 90 अरब एक्सपोर्ट है IT की,
हम कहाँ से कहाँ जा सकते थे अगर हम ये पहले जो अब हम चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में, पहली दफ़ा वाटर स्टोरेज के ऊपर जोर लगाया, क्लीन एनर्जी के ऊपर। हमारे पास 50,000 मेगावाट का हमेशा पोटेंशियल था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन किसी ने, क्योंकि अगले अगले इलेक्शंस का सोचते थे, किसी ने डैम्स का नहीं सोचा। फिर पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे आने वाली नस्लों के लिए, मुल्क को बचा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, पाकिस्तान को हरा करने के लिए 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं पाकिस्तान में, फिर नई नेशनल पार्क्स बना रहे हैं सब आने वाली जनरेशन्स के लिए, जो कि आज तक कभी किसी ने पहले नहीं सोचा। और इंशाल्लाह जो मेरे जो अभी तक लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि, और जो मैं, क्योंकि मैं सारे बचपन से सारा पाकिस्तान देखा हुआ है, जो टूरिज़्म में पोटेंशियल है पाकिस्तान में, किसी को अंदाज़ा नहीं है, हमने कभी किसी सोचा ही नहीं टूरिज़्म का। जो अल्लाह ने यहाँ खूबसूरती दी है, जो डाइवर्सिटी दी है, जो कि 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं पाकिस्तान के, किसी को, हमारे अपने लोगों को नहीं अंदाज़ा। अगर आपके लंदन में सारे बिजनेसेस, बच्चे और छुट्टियां और ईदें गुजारें, आपको क्या पता कि पाकिस्तान में अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि टूरिज़्म में पिछला साल ये जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो टूरिज़्म हुआ हमारा। सारी दुनिया में टूरिज़्म की इंडस्ट्री मुतासर हुई कोरोना की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे अब ये वैक्सीन दुनिया वैक्सीन में अब कोरोना से अपने आप को बचा रही है और टूरिज़्म बढ़ रही है, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि सिर्फ टूरिज़्म के सेक्टर से हम इतने पैसे कमा सकते हैं कि हमें ये जो हमारा मुसलसल प्रॉब्लम आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी कि डॉलर्स जो बाहर जा रहे हैं वो ज़्यादा अंदर आ रहे हैं, कम है, हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ता है, तो सिर्फ टूरिज़्म से हम ये अपने रिज़र्व्स बढ़ा सकते हैं, अपने फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जो मैं अपनी सिर्फ कौम को आखिरी चीज़ें कहना चाहता हूँ कि जो बुरा वक्त है वो निकल गया, मुश्किल वक्त से हम गुजर गए, इंशाल्लाह अब ग्रोथ का टाइम है, अब इसको अपनी इकॉनमी बढ़ाने का टाइम है, दौलत में इजाफा करने का टाइम है, अपने मुल्क को, अपने नौजवानों को नौकरियां देने का टाइम है। हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पहली दफ़ा जो इंसेंटिव्स दिए गए वो कंस्ट्रक्शन को दिए गए, और सीमेंट सेल्स पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी ज़्यादा सीमेंट नहीं बिका जो अब बिका, इसलिए कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ गई। अभी जो हमारा असल प्रोजेक्ट है वो सही माने में टेक ऑफ नहीं किया, वो अफोर्डेबल हाउसिंग यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग, और उसकी वजह यह है कि हमारा जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका भी आदत नहीं है छोटे लोगों को कर्ज़े देने के लिए घरों के लिए, और हमारे पास 2 साल लगे वो जो एक कानून है, वो जब तक वो कानूनी कई सालों से फंसा हुआ था फोरक्लोजर लॉ, वो तब तक बैंक कर्ज़े नहीं देते, तो वो 2 साल सवा 2 साल के बाद वो कानून हमने बैंक अदालत से क्लियर करवाया, और तब से अब हम पूरा जोर लगा रहे हैं, और अब तक 60 अरब रुपए के बैंकों से 60 अरब रुपए के कर्जे की डिमांड आ चुकी है बैंकों में, जो छोटे नए पाकिस्तान हाउसिंग में, ये जो छोटे छोटे 5 मरले के घर हैं, यानी कि वो लोग जो आज तक सोच भी नहीं सकते थे कि उनका अपना घर होगा, तनख्वाहदार तबका, ये जो मज़दूर जो ग्रेड 4 पे काम करने वाले सरकारी नौकर, जो पुलिस वाले, ये कोई भी वेल्डर मैकेनिक्स, ये कभी अपना सोच नहीं सकते थे कि इनके पास इतना पैसा गया घर बनाने का। लेकिन ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट है कि जो आप किराया दे रहे हैं, जो लोग 15-20 हज़ार किराया देते हैं, वही किस्तों में चला जाएगा और घर भी अपना बन जाएगा, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, और ये इसके ऊपर हम और भी तरीके लेके आ रहे हैं, बैंकों के अलावा ऐसे फाइनेंस हाउसेस लेके आ रहे हैं, ये शौकत तरीन अभी करने लगे हैं, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम ही उन बैंक्स का हाउसिंग के लिए कर्ज़ देने के लिए। तो ये भी एक, ये जब टेक ऑफ हो जाए, ये एक और चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा रोज़गार शहरों में मिलता है जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब चलती है तो 30 और इंडस्ट्रीज़ उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो सारा एक पूरा मईशत उठ जाती है उसकी वजह से। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि जो मुश्किल वक्त में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो हालात मुश्किल थे, बेरोज़गारी थी, IMF का भी प्रोग्राम था जिसे टाइट किया हुआ था उन्होंने,
उसके बाद कोरोना भी था। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपनी कौम को मैं और खुशखबरी देता जाऊँगा। शुक्रिया।